एज पार्टिसिपेंट्स आप नॉलेज गेन करेंगे कि विटामिन्स कितनी इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में, आप फूड सोर्सेस के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे और आपका नॉलेज लेवल्स एक्सपेंड करेंगे। अगर कोई डेफिशिएंसी है विटामिन्स की, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? इसके साथ साथ टॉक्सिसिटी, यानी अगर कोई विटामिन ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं तो टॉक्सिसिटी हो सकता है, उनमें से है एग्जांपल्स फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो टॉक्सिसिटी क्या हो सकता है उसका भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। एंड हमारा डायट्री जो रिकमेंडेशन है इंडियंस की वो क्या है, ये हमारा आज का सेशन का लर्निंग आउटकम्स होगा, राइट? सो पूरे इस सेशन में, विच इज रफली अबाउट 45-50 मिनट्स की सेशन पे, हम इंट्रोड्यूस कर देंगे टॉपिक को, न्यू विटामिन्स की फंक्शंस एंड क्या क्या क्लासिफिकेशन है। बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन, उसको मैंने शब्द कैटेगरी बोला है, बट क्लासिफिकेशन के बारे में हम जिक्र करेंगे। पाथवे क्या है, मतलब हमारी सिस्टम में कैसे ये न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं वो हम देखेंगे। देन कैटेगरी की बेसिस पे वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात, अगर डेफिशिएंसीज हैं क्या है वो, एट्रस ग्रुप्स किसको माना जाता है डेफिशिएंसीज के लिए, एंड ऑफ कोर्स रिकमेंडेड डाइटरी एलिवेंसेस को भी हम इस सेशन पे कवर करेंगे। आप सब जानते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, शब्द से हमें पता है कि वो ज्यादा मात्रा में चाहिए होती, बट विटामिन्स हैं ऐसी चीज जो हमें चाहिए जरूर बट बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। व्हेन वी से स्मॉल क्वांटिटीज, इसका मतलब है, आई विल गिव यू एग्जांपल, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए इन ग्राम्स, रहे बात कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, फैट हो, जब हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट इसको हम ग्राम्स में गिना जाता है, whereas when it comes to vitamins that is measured either in micrograms या milligrams, milligrams कम quantity है, इससे भी कम quantity है micrograms, so vitamins जो है हमें बिल्कुल बहुत कम quantities में जरूरी होती है। ये सारे चीजें हमारी body में synthesize नहीं होता, तो diet के माध्यम से ही हमें सेवन करना चाहिए, right? And जब हम vitamins बोल रहे हैं, ये ग्रीक की शब्द vital amine से आती है, इसका मतलब है वाइटल फॉर लाइफ, यानी हमारी जीवन के लिए, हम ही हर ऑर्गन, हर सिस्टम, बॉडी को चलाने के लिए विटामिन्स के बगैर मुश्किल है, सो इसीलिए दे आर कॉल्ड वाइटल अमीन्स या वाइटल फॉर लाइफ। तो ये क्या काम करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, आप लोगों को अब पता है कि ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट विटामिन्स हमें डायरेक्ट एनर्जी सोर्स नहीं देती, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब मैं ये बात बोल रही हूँ, आप याद रखना, पाथवे हम देखेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट सोर्स में ये काम आता है, स्पेशली बी विटामिन्स। दूसरी चीज है मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन्स, जितना ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट से हमें मिलता है, इसको रिलीज करने के लिए हमें विटामिन्स की जरूरत है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेल्पर मॉलिक्यूल या बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट, एनर्जी को रिलीज करने के लिए मदद करता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ हेल्पर मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स एंड एंजाइम्स को सही मात्रा में सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट, राइट? तो कैटेगरीज आपको पता है, विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड दूसरे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मतलब वो पानी में डिसॉल्व होता है, घुलता है, तो उसमें अनेक तरह के होते हैं, उसमें से हम दो मेजर कैटेगरीज कहेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, वो बी एंड सी है। एंड बी में आपके पास अनेक हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, इतने सारे हैं। इतनी सारी चीजों की हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स में इनका क्या रोल है, वैसे सी के लिए भी। सिमिलरली फैट सॉल्युबल विटामिन्स चार तरह के हैं, आप जानते हैं ADEK, सो इस चार के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। इससे पहले हम जिक्र करें, मैं चाहती हूँ कि आपको बेसिक एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारे शरीर में ये कैसे होगा। हम जो भी विटामिन्स हमारे शरीर में आता है वो फूड, बेवरेज या सप्लीमेंट के माध्यम से हमारा सेवन होता है,
जैसे ही सेवन होता है तो सर्कुलेशन में जाता है एंड ऑब्जॉर्ब होता है। जो जो चीजें ऑब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ क्वांटिटी ऐसा है ऑब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो सारा चीज पीसेस से निकल जाएगा, यानी स्टूल से निकल जाएगा, पॉटी से। एंड बाकी जो बची है इसको हम कहते हैं जो बायो अवेलेबल। जब भी हम बायो अवेलेबल कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारी ऑब्जॉर्प्शन में काम आएगा, यानी सारे हमारी जितनी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को पूरी करेगी। दूसरी तरह से जितना भी ऑब्जॉर्प्शन होता है, एक है कि फीसेस से चला जाता है, लेकिन हमारे शरीर में ऑब्जॉर्प्शन के अलावा सेक्रेशन के माध्यम से भी हमारा सर्कुलेशन में आ जाता है। जब ये सर्कुलेशन के एकदम आ जाता है, जितना भी एक्सेस है वो यूरिन से निकल जाता है, अगर वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हो। दूसरी चीज है वो स्वेट से निकल जाता है, अगर वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हो। वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग से भी होता है, वेदर इट इज वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। इसीलिए अगर यूरिन से स्वेट से निकल के जा रहा है, इसका मतलब है ये वाटर सॉल्युबल विटामिंस है। फैट सॉल्युबल विटामिंस जनरली यूरिन एंड स्वेट से नहीं जाता। एंड जो बच गया है ऑब्जॉर्प्शन से निकल के, सेक्रेशन से भी थोड़ा जो माध्यम से मिलता है वो सर्कुलेशन में आता है, जितना वो माइनस हो जाता है थ्रू यूरिन, स्वेट एंड जीआई ब्लीडिंग, बाकी जो भी बचा है दैट गोज टू द टिश्यूज। टिश्यूज के पास जाने के बाद क्या होता है, थोड़ा चीज वो विमेन मेंसेस के जरिए वो निकल के चला जाता है। एंड इसके साथ साथ जब बचा हुआ है टिश्यूज में, वो सारे क्या काम करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंजाइम एक्टिविटी में काम करते हैं। जब ब्लड में रहता है एंड ये टिश्यूज में आ जाते हैं, देन ये जीन एक्सप्रेशन यानी जीन्स के लिए, स्टोरेज के लिए, एंजाइम एक्टिविटी के लिए, ये सारे चीजों में विटामिंस काम करते हैं। तो ओवरली मतलब अगर हम ओवरऑल पिक्चर जनरली हम देखा जाए कि कैसे विटामिंस हमारे शरीर में सेवन के बाद हमें उपलब्ध होती है, तो ये रास्ता है। तो आगे जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिंस। वाटर सॉल्युबल विटामिंस हमने कहा विटामिंस में दो कैटेगरी से, इसमें से पहले जाते हैं पाथवे सेकेंड कैटेगरी में। वाटर सॉल्युबल विटामिंस मेजर रोल इन स्पोर्ट्स है उनको एनर्जी रिलीज करना, ये हमेशा आप याद रखिए। इसका मतलब है अगर जितना इंपॉर्टेंस हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट को दे रहे हैं, उतना ही हमें विटामिंस के लिए भी देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, मैंने बेसिकली एक वर्ड आपके स्क्रीन पे है। आपको अगर आपका फिजियोलॉजी क्लास याद हो तो आपको पता होगा कि फैट से आपको एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन या ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलता है, एंड प्रोटीन से भी आपको एनर्जी मिलता है। तीन माध्यम से आपको एनर्जी मिल सकता है। हम अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये सारे लोग यानी विटामिंस की बात कर रही हूँ कि ये विटामिंस कैसे यहाँ पे इनका रोल है। बीटा ऑक्सीडेशन यानी फैट्स को हमें ब्रेक डाउन करके बीटा ऑक्सीडेशन के बाद हमें एनर्जी मिलता है। मैं ओवरऑल पिक्चर गोइंग इनटू द डिटेल्स। ट्राइग्लिसराइड्स कल पूजा मैम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि इसके बारे में, फैट्स के बारे में जब बात करा तो उन्होंने ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में भी उन्होंने डिस्कस कर रहे थे। तो ट्राइग्लिसराइड से क्या होगा, आपको एनर्जी रिलीज होगा। तो B2 एंड B3 ऐसे दो विटामिन से जो हमें एनर्जी रिलीज में काम करेगा। वैसे ही अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, Either as energy store in the form of glycogen in the muscle या liver पे या muscle पे, या glucose के form पे अगर ऐसा हो तो वो भी finally convert होना है as energy। ये सारी मैं energy system की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए हर जगह पे आपको क्या मिल रहे हैं, vitamins मिल रहे हैं, वो भी खासतौर पे B vitamins यानी B6 glycogen से glucose में काम करेगा, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड में B3 काम करेगा, पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोए में B1 काम करेगा, B2 और कोएंजाइम ये भी एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन का अगर हम एग्जांपल पे देखेंगे तो अमाइनो एसिड से हमें B6 से हमें अगेन वो आएगा एनर्जी रिलीज के में, राइट। एंड वहां रुकता नहीं है, अमीनो एसिड्स आपको
अल्फा कीटो ग्लूटरेट की एक जगह पे रुकता है जहां से आपको एनर्जी रिलीज होता है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर आप आकर देखते हैं, ये है कि फॉर एथलीट्स, मैं इसीलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ, एथलीट्स के लिए बी विटामिन्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनर्जी सिस्टम्स काम करने के बिना एक एथलीट अपना परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग दोनों नहीं कर पाएंगे, राइट? सो बी वन बी थ्री हियर एंड बी टू भी काम करता है इन द क्रेब्स साइकिल। सो आगे जाते हैं इंडिविजुअल विटामिन्स के पास। बी वन को कॉमन साइंटिफिकली बोला जाता है थायमिन। बी वन कॉमन नेम है, थायमिन इसका साइंटिफिक नेम है। इसका फंक्शन क्या है? हालांकि मैं जनरल फंक्शन से ज्यादा मैं यहाँ फोकस करना चाहती हूँ फंक्शन इन स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारा मेजर जो एरिया है फोकस ऑफ इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में। अभी हमने देखा था कि पाथवे में कि बी वन बी थ्री बी फाइव बी सिक्स ए चार बी विटामिन से जहां पे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी। तो एनर्जी सब्सटेट यूटिलाइजेशन यानी कि जितने भी फॉर एग्जाम्पल हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये सब्सटेट है। सब्सटेट उसको कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट को सब्सटेट कहते हैं, ओके? इसको यूटिलाइज करने में बी वन काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कन्वर्ट करने में काम होगा, एंड मसल कंट्रैक्शन, इसके साथ साथ कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल्स। कभी कभार ऐसा होता है कि मसल टाइट हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाता है, नमनेस हो जाता है, ये सारी चीजें हैं जहां पे आप हमें लगता है कि शायद बी वन की कमी है, राइट? सो प्रॉपर मसल कंट्रैक्शन में नर्व सिग्नल्स सही माध्यम से सही तरीके से अगर चलना है, इसका भूमिका थायमिन बी करेगी। ऐसा नहीं कि थायमिन ही करेगी, थायमिन बी इसमें काफी रोल है। तो डेफिशिएंसीज क्या गया? अगर ये सब बी विटामिन हमारे शरीर में सही से नहीं हम सप्लाई करते हैं, ये फंक्शन रुक जाएगा, तो क्या होगा अपने आप वो रिपेयर एंड मसल बिल्डिंग में काम बहुत ही वीक हो जाएगी, कम हो जाएगा, वीकनेस होगी इसकी वजह से, क्योंकि एनर्जी सब्सटेट यूटिलाइज नहीं हो रहा, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो ऑटोमेटिकली वीकनेस हो जाएगा, एंड्योरेंस कम हो जाएगी, मसल वेस्टिंग होने की चांसेस हैं, एंड साथ साथ वेट लॉस हो सकता है, राइट? एंड ये स्क्रीन पे आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं दो हाथों की, एक है जनरली जो बी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हुआ है। एक अच्छी चीज है कि जनरली बी विटामिन जनरल पॉपुलेशन में नहीं आजकल पाया जाता है, बट यस एथलीट्स में अगर वो लो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उनका डाइट बैलेंस्ड नहीं है, देन उस जगह पे बी विटामिन की कमी होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनका आरडीए क्या होना चाहिए? आरडीए मतलब रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस। याद है मैंने कहा कि माइक्रोग्राम्स में होगा या मिलीग्राम्स में होगा या माइक्रोग्राम्स में होगा। सारे बी विटामिंस एंड सी विटामिंस यानी वाटर सॉल्युबल विटामिंस जो है वो मेजर करा जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट बाय मिलीग्राम्स पर डे, यानी मिलीग्राम्स में हमें खाना चाहिए। एंड इसका रिक्वायरमेंट अगर हम एडल्ट मेल को देखते हैं वो 2.3 मिलीग्राम्स पर डे है, अगर हम फीमेल को देखते हैं तो 2.2। अगर चाइल्ड यानी अडोलेसेंट एथलीट की बात हो रही है देन इट इज बिटवीन 1.2 टू 2.2। अडोलेसेंट लोअर एज से यानी अर्ली टीन्स से लेट टीन्स तक ये रेंज होगा, लोअर टीन्स में यानी अर्ली टीन्स में 1.5 एंड लेट टीन्स में 2.2। सिमिलरली फॉर फीमेल अडोलेसेंट एथलीट वो 1.4 टू 1.7। ये जनरल एक्चुअली अगर हम देखा जाए ये रिकमेंडेशन है फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की जो रिकमेंडेशन है हमारे लिए भी यानी स्पोर्टिंग पॉपुलेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, ओके? एक्स्ट्रा हमें सोचने की जरूरत नहीं। अगर हमने ये इतना मीट कर लिया देन डेफिनेटली हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो सोर्सेस क्या हैं? क्या हमें इसको सप्लीमेंट ही लेना है? बिल्कुल भी जरूरी है, हमें ये सारे चीजें अच्छे से हमें डायट्री सोर्सेस से मिल जाएगा। एंड आपके स्क्रीन पे है ये सोर्सेस। फॉर एग्जांपल
तौर पे मैं एक एग्जांपल ही बता रही हूँ। अगर आपने पिस्ता खा लिया है, राइट, द फर्स्ट एग्जांपल पिस्ता, अप्रोक्सीमेटली आपको 0.85 यानी मान के चलते हम 0.8 मिलीग्राम पर 100 ग्राम मिल जाता है, यानी आपका रिक्वायरमेंट कितना है अगर फॉर एग्जांपल आप एडल्ट पॉपुलेशन देख रहे हो तो 2.3, राइट। तो 100 ग्राम पिस्ता से ही हमें इतना मिल जाता है। क्या हम पूरा दिन की रिक्वायरमेंट अगर हम देखे जाएं एंड इतनी सारी एग्जांपल्स हमारे खाने में हम इंक्लूड करें, क्या नहीं हो पाएगा? डेफिनेटली हो पाएगा। हम 100% हमारा आरडीए में बैलेंस्ड डाइट के जरिए मीट कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन हमें इफ नॉर्थ इंडियन तो रोटी खाएंगे, वहां से मिल जाती है। कुछ बेल्ट हैं जो रागी सेवन करते हैं, वो भी हो जाएगा। गार्डन से क्रेसी, जीरा, मूंगफली, तुअर दाल, ऐसे सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं जहां कुछ ना कुछ अमाउंट हमें मिलता है एंड ये विटामिन B1 की टॉप 12 एग्जांपल्स हैं। टॉप 12 मतलब ये सारी चीजें अगर आप कोई भी तरह पे आपके डाइट में इंक्लूड करेंगे इवन एट 20 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स तब भी आपको पूरी दिन की रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। सेकेंड हम चलते हैं B2 के पास। B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन एंड राइबोफ्लेविन हमने पाथवे में देखा कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, राइट। सो B1 जैसे एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है वैसी B2 भी इन स्पोर्ट्स काम आता है। सो मैं सिर्फ एंड सिर्फ मेजरली फोकस कर रही हूँ ऑन स्पोर्ट्स, तो आप ये मत सोचिए कि इसके अलावा कोई और काम नहीं है, राइट। सो अगर ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है एंड हम इसको सही मात्रा में सेवन नहीं करते हैं, क्या होगा? वीकनेस होगा, थकान होगा। जो हम वर्क कैपेसिटी यानी जितना हम अचीव कर सकते हैं वो अगर ट्रेनिंग में हमने पूरा ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये हो सकता है हमारे खाने में B2 की डेफिशिएंसी हो। तो ये याद रखना। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि आपकी स्किन एंड नर्वस सिस्टम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें थोड़ी सी फंक्शनिंग में कमी होगी, जैसे आपके स्किन सॉफ्ट नहीं रहता, मॉइस्चराइज नहीं रहता, जल्दी फट जाता है, मतलब बहुत ही ड्राइनेस हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो इनर लेयर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे जल्दी ड्राई हो जाते हैं एंड नर्वस सिस्टम नॉर्मली फंक्शन नहीं करता। तो ये सारी चीजें हैं एंड अगर एलीट एथलीट हैं तो इनका काफी नुकसान होगा अगर ट्रैवल कर रहे हैं एंड देयर इज अ जेट लैग। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं, बहुत आसान तरीका है इसको पहचानने में कि इनकी जो राइबोफ्लेविन की जो इश्यूज है वो आपके मुंह में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आपके टंग में ऐसे रिजेस रहना, चाले पड़ जाना एंड साइड्स में आपको ऐसे वाइट सी पैचेस आना, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ऐसे चीजें या मुंह के अंदर चाले पड़ जाना, ये सारे चीजें हैं जो B2 की डेफिशिएंसी की वजह से आप इसको पहचान पाएंगे। तो RDA में हम देखते हैं कि मेन में 3.2 रिक्वायरमेंट है, मतलब जो अलवेंस जो हमें लेना चाहिए वो 3.2 है, विमेन में 3.1 है, एडोलेसेंट एथलीट्स के लिए हम 2.1 से 3.1 रेकमेंड करते हैं एंड फॉर फीमेल एडोलेसेंट एथलीट हम 1.9 से 2.3, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एडोलेसेंट एज ग्रुप टू द हायर एडोलेसेंट एज ग्रुप, ऐसे रिकमेंडेशंस इनकी हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये जनरल पॉपुलेशन के लिए अप्लीकेबल है, दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू द स्पोर्टिंग पॉपुलेशन। तो क्या क्या फूड सोर्सेज हैं? फूड सोर्सेज ये हैं आपके सामने, हरे पत्ते की सब्जी आपके पास चार हैं, जैसे कुछ बेल्ट्स हैं हमारे इंडिया में जहां पे ज्यादातर ड्रमस्टिक की पत्तों को सेवन करते हैं, जैसे ये पुनगंटी की सीड्स हैं और लीव्स हैं। ये सारी चीजें आपको, मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूं, लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे सोर्सेस हैं B2 के। इसके साथ साथ एक नॉन वेजिटेरियन आइटम आपको दिख रहा है लिवर एंड दूसरी आपको दिख रही है एग। तो ये दो चीजें जो है आपको B2 देगा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से।
इसके अलावा दाल, आमंड्स, लाल मिर्च एंड राजमा, ये सारी चीजें जो हैं एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जो रेड कलर है, जरूरी नहीं कि रेड हो, बट ग्रीन से ज्यादा रेड की अमरांथस, अमरांथस मतलब चौलाई, चौलाई के पत्तों में भी, यानी कि 12 में से 5 सोर्सेज हैं जो आपको हरे पत्तों से मिलती है। इसका मतलब शॉर्ट अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि हमें हरे पत्तों की सब्जियों से, लिवर से, एग से एंड दाल से ज्यादा हमें बीटू मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं नायासिन पे। नायासिन क्या करेगा, सेम हमने अमर पाथवे में देखा कि एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, इसके साथ साथ स्किन, नर्व सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये काम करता है। इसका मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग में इसका भूमिका बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो ये एनर्जी सिस्टम, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड्योरेंस, ये काफी आपको साथ देने वाली है। वैसे देखा जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन पे B3 की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है, बट अगर कभी कभार किसी को हो जाती है, दिस इज नॉट वेरी कॉमन, जितने भी एग्जांपल्स हैं डेफिशिएंसीज के वो सारे बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन में जनरली नहीं होता, ये वेरी नॉर्मल पॉपुलेशन जिनका डाइट बहुत ही पुअर है, जिनके पास प्रॉपर डाइट नहीं है, कोई भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगलिंग पॉपुलेशन, उनमें से ही ये देखा गया है, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी कॉमन इन द जनरल पॉपुलेशन। तो क्या क्या चीजें होंगी, पिगमेंटेड स्किन रैश, यानी स्किन होगा, रैशेस होंगे यानी खुजन होगी, इसके साथ साथ उसके पैचेस रहेंगे, इसको बोलते हैं पिगमेंटेड स्किन रैश। जैसे यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स है, यहाँ पे देखिए ये वाली स्क्रीन पे, तो ये सारे चीजें एग्जांपल्स है पिगमेंटेड स्किन रैश के लिए। इसके साथ साथ डायरिया, डिमेंशिया यानी भूल जाना, एंड इवन डर्माटाइटिस स्किन डिजीज, एंड साथ साथ किसी को बहुत ही सीरियसली विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है, तो ऐसे लोग हैं जिनका वजह सिर्फ B3 की डेफिशिएंसी डेथ हुआ, बट दैट इज वेरी रेयर, ये ऐसा जनरली नहीं होता आज के डेट पे। तो इसके जो रिक्वायरमेंट यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, अगर आपने गौर किया B1 एंड B2 में जो मेल एंड फीमेल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ज्यादा अंतर नहीं था, बट B3 में अगर आप देखेंगे तो काफी अंतर है, मतलब 5 मिलीग्राम्स पर डे की अंतर है, एंड मेल पॉपुलेशन में भी इट इज क्लोजर टू द मेल काउंटरपार्ट अडल्ट, अगर वो एडोलेसेंट क्लोजर टू अडल्टहुड है, बट अगर अर्ली टीन्स में है वो कम है, एंड सिमिलरली फॉर फीमेल एथलीट्स की ये इनकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है। सो बेसिकली देखा जाए तो मेल एंड फीमेल एडोलेसेंट पॉपुलेशन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, हालांकि मेल एंड फीमेल एडल्ट पॉपुलेशन में ज्यादा डिफरेंस है, बट जनरली ये मीट हो सकता है अगर हम डाइटरी सोर्सेस ले सकते हैं। एंड आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगर आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे आपका, हमने पिछले डाइटरी यानी B2 में हमने देखा कि 5 out of 12 जो है मेजर सोर्स क्या था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थे। B3 का मेजर सोर्स जो आता है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आता है, जैसे कि आपका शीप का लिवर, चिकन, स्प्लीन, मटन पीसेस, ये सारी चीजें, अगर कोई बीफ, पोर्क, ये सारी चीजें हैं यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो मेजरली B3 की डाइटरी सोर्सेस हैं, जो अगर आपको ऐसे याद रखना है। इसके अलावा पीनट्स यानी कि मूंगफली ये है, एंड अगर आप देखें लास्ट स्क्रीन में ये आपका ब्राउन राइस, आजकल काफी लोग रेकमेंड कर रहे हैं ब्राउन राइस के लिए। एक बेनिफिट है ब्राउन राइस का कि वो B3 की अच्छी सी सोर्स है, अगर वो प्रॉपर ब्राउन राइस है, डी हस्क है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं पैंटोथेनिक एसिड।
पैंटोथेनिक एसिड भी आपको एनर्जी सिस्टम में काम करता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन की जो कोएंजाइम का काम जो करता है वो मेजरली कौन करेगा, वो B5 करेगा, राइट। एंड इस कोएंजाइम को प्रीकर्सर यानी कि कोएंजाइम बनने से पहले जो चीज होती है उसको कहते हैं प्रीकर्सर। सो पैंटोथेनिक एसिड क्या करेगा, उस कोएंजाइम को बनाने में मदद करेगी, राइट। अगर डिफिशियंसी हो तो स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी स्किन चेंज हो जाता है, डिमेंशिया इज लॉस ऑफ मेमोरी, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, एनीमिया यानी खून की कमी। याद रखना, हम हमेशा सोचते हैं कि एनीमिया सिर्फ आयरन की डिफिशियंसी से हो सकता है, जरूरी नहीं कि यस आयरन की डिफिशियंसी से होता है, इसके साथ साथ अगर वो B5 एंड B12 की भी कमी हो देन एनीमिया हो सकता है। इसीलिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा, अगर कोई भी एथलीट एनीमिया से सफर कर रहा है तो हमें आयरन के साथ B5 एंड B12 की सप्लीमेंटेशन करनी है। मसल क्रैम्स एंड GI डिस्टर्बेंस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी होता है अगर पैंटोथेनिक एसिड हमने सही से सप्लीमेंट नहीं करा हो। तो RDA क्या है, 3.5 मिलीग्राम्स, 2.4 फॉर फीमेल, एडोलेसेंट मेल के लिए 2-3 एंड फीमेल एडोलेसेंट के लिए 1.9-2.3, राइट। तो सोर्सेस क्या है, अगेन अगर आप देखते हैं तो तीन सोर्सेस हैं जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस हैं एंड बाकी जो है मेजरली पल्सेस यानी दाल, राजमा हो गया, ब्लैक ग्राम यानी उड़द हो गया, मूंग हो गया, सोया हो गया। सो अगर आप देखेंगे तो मेजरली क्या है, ये प्रोटीन रिच सोर्स जो हम कहते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ये सारे प्रोटीन रिच सोर्सेस हैं एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस प्रोटीन रिच हैं। तो अगर हमें याद रखना है कि B5 को हम कैसे डाइटरी सोर्सेस में याद रखना है, इतना याद कर सकते हैं कि जितने भी प्रोटीन सोर्सेस हैं वो हमें B5 भी देगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं पिरिडॉक्सिन पे। पिरिडॉक्सिन क्या करेगा, अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस, सेम पाथवे, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन करा क्योंकि हर जगह पे जब भी हम बी विटामिन की बात कर रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म स्पेशली एनर्जी रिलीज की बात होती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में B6 काम करेगी। इसके साथ साथ दो शब्द आपके स्क्रीन पे हैं, एक है सेरोटोनिन एंड डोपामिन। डोपामिन एंड सेरोटोनिन ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमें बिल्कुल एनर्जेटिक रखेगा, बिल्कुल हमें एक्टिव रहेगा, प्लेसेंट वाला फीलिंग देगा, मतलब थोड़ी सी साइकोलॉजी पे जा रहे हैं हम, राइट। तो ये क्या करेगी, ये जो हॉर्मोन्स सेरोटोनिन एंड डोपामिन को ये सिंथेसिस करने में B6 मदद करती है एज अ को फैक्टर, ठीक है। एंड इम्यून सिस्टम को भी एसिड मेटाबॉलिज्म यानी हमारी DNA एंड RNA में बनने में काम करता है एंड ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इसका मतलब पूरी जितनी भी अगर हम देखते हैं ये एथलीट के लिए मतलब की चीजें, क्योंकि हमें एनर्जी सिस्टम चाहिए, एक एथलीट को एक्टिव एंड हैप्पी रहना है, इम्यून सिस्टम जनरली सप्रेस रहता है, तो उनका सिस्टम अगर इम्यून सिस्टम सही होना है तो B6 की सप्लीमेंटेशन या डाइटरी सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, सही मात्रा में नहीं होता, देन क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये कंडीशन जो है इसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एंड जनरली अडल्ट में दो पाया गया है, अडल्ट एंड इवन एडोलेसेंट टू स्टेज में रहते हैं एंड डिप्रेशन में रहते हैं। इसका मतलब ये वाली जो हॉर्मोन्स है सेरोटोनिन और डोपामिन जो साइकोलॉजिकल हॉर्मोन्स है उसमें ये पिरिडॉक्सिन जो विटामिन है ये भूमिका निभाती है। सो कितना मात्रा में, यानी रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या है, दिस इज वेरी सिमिलर टू
B5, right? And dietary sources, डायट्री सोर्सेज में आएंगे, यहां पे B5 में भी था एंड B6 में, अगर आपने नोटिस करा B3 एंड B6 में, गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन एक ऐसा सोर्स है जो हमें विटामिन बी की दो इंपॉर्टेंट विटामिन्स को दे सकते हैं, ये तो आपका रहा पालक, ड्रमस्टिक, करी लीव्स, तो तीन आपके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस दो अंडे में आते हैं। नट्स एंड स्पाइसेस मतलब आपके नट्स हो गया, पिस्ताशियो, वॉलनट्स हो गया, राइट। कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस में आपको पीपली आ गया, फेनुग्रीक यानी फेनुग्रीक को क्या बोलते हैं हिंदी में आप बता देना मुझे, राइट, बाद में। जैसे आपका मशरूम्स इन द ड्राई फॉर्म हो गया, जो प्रोटीन सोर्सेस हैं। तो अगर कुल मिला के अगर इसको शॉर्ट में अगर हमें याद करना है तो हम ये से याद कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस, लीफी वेजिटेबल्स एंड नट्स, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। तो चार चीजें हमें याद रखना है, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, लीफी वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस और क्या बच गया, ज्यादा नहीं ना, राइट, ओके। नेक्स्ट B9 पे आते हैं, B9 यानी कि फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हमें DNA एंड RNA सिंथेसिस में काफी काम करता है। इसका मतलब अगर कोई भी ग्रोथ, सेल ग्रोथ होना है देन ये काफी मदद करेगा। हम जब भी सेल ग्रोथ की बात करते हैं जनरली हम प्रोटीन की तरफ जाते हैं, बट प्रोटीन के साथ ये भी याद रखना है कि सेल डिवीजन में, अच्छे से ग्रोथ में, टिश्यू की ग्रोथ में B9 यानी फोलिक एसिड की काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। दूसरी चीज, एक एथलीट के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो बोन मैरो आपको पता है ना कि ये जो जॉइंट्स की पोर्शन पे मैरो होता है, लेट मी चेक, देयर इज अ लॉट ऑफ चैट, राइट। ऐसे भी कोई बच्चे हैं, एथलीट्स हैं जो एरिथ्रोपोइटिन भी, जो गलत चीज है, एरिथ्रोपोइटिन की इंजेक्शंस लेते हैं विच कम्स अंडर डोपिंग, राइट। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ज्यादा RBCs की जरूरत पड़ती है एंड एक्चुअली जो है वो बोन मैरो से सिंथेसिस जेनरेशन, ठीक है, मतलब नए आरबीसी बनी है तो बोन मैरो की जरूरत है। अगर हम सही मात्रा में बोन मैरो फोलिक एसिड लेते हैं तो ये बोन मैरो में काम करेगा एंड हमें अच्छे से आरबीसी एंड WBCs की प्रोटेक्शन रहेगी, राइट। एंड आपके स्क्रीन पे है जो डेफिशिएंसीज के, जैसे गया इन्फ्लेमेशन इन द माउथ एंड टंग, जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि एक अजीब सा टंग का टेक्सचर है, यहाँ हम देखते हैं लिप्स के नीचे जो चाले पड़ना, ये सारे चीजें डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरी जगह पे मैं यहां रुक रही हूं, एनीमिया, अगर राइट एंड B9 की मात्रा जो है वो हंड्रेड्स में है। ये RDA के लिस्ट है जहां पे मेल अडल्ट 200 से शुरू होता है एंड फीमेल को 220 पे, राइट, एंड इट इज सिमिलर टू द एडोलेसेंट मेल एंड द फीमेल। जो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो वैसे adolescent male and adolescent female में ज्यादा requirement है for B9, क्योंकि याद है ना जब हम functions पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था growth, cell development, tissue development and
बोन मैरो डेवलपमेंट, ये सारे चीजें ज्यादा होता है वो होती है एडोलेसेंट एज में, इसीलिए वो एडल्ट से ज्यादा एज में ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो डायटरी सोर्सेस में हो गया आपके पांच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूसरे हो गए हैं दाल के वैरायटीज एंड ऑफ कोर्स लिवर। तो तीन चीजों से हमें D9 की सोर्सेस मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं कोबालामिन। कोबालामिन की फैक्टर है कि ये पेरिनेशियस एनीमिया, मतलब अनीमिया को प्रिवेंट करने में काम आता है। तो तीन जगह थर्ड प्लेस है जो हम अनिमी के जिक्र कर रहे हैं, राइट। तो अनीमिया हो सकता है जब विटामिन B12 की कमी हो सकता है। एंड ये डेफिशिएंसीज कैसे हमें पहचानने में आएगा, स्किन का जो कलर है वो पेल होगा, टंग एंड माउथ में जो सोरनेस है, जो पिछले स्लाइड्स में भी देखा वैसे सोरनेस होती है, नंबनेस होती है पैर में और हाथ में, पैर बहुत वीक महसूस होने लगती है, एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा याददाश्त होना। एंड इसकी रिक्वायरमेंट जो है मिलीग्राम्स में सेम है फॉर ऑल एज ग्रुप्स है 2.2 ग्राम्स। तो सोर्सेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे कोई भी एक भी वेजिटेरियन सोर्स नहीं है। जितना भी आपको सोर्स यहाँ दिख रहे हैं वो सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस है। इसका सिंपल सा याद रखने की क्लू है कि विटामिन वेजिटेरियन एंड फिर भी आप दूध दही के प्रोडक्ट्स जैसे पनीर सेवन करते हैं तब भी आपको B12 की सोर्सेस मिलेगी। सो आते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसको हम विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी हमें कोलाजिन सिंथेसिस के लिए चाहिए, यल कार्निटिन की सिंथेसिस के लिए चाहिए। लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो एक बच्चे ने पूछा था कोलाजिन हमें वैसे सप्लीमेंटेशन हमें बाहर से करना पड़ेगा, बट जब शरीर में अगर हम सिंथेटिकली बात करते हैं कि कैसे ये डेवलप होता है या कैसे इसको सिंथेसिस होती है, तो एक बार सेवन होने के बाद ये होती है थ्रू कोलाजिन, एंड इसके लिए चाहिए होती है हमें विटामिन सी, राइट। प्रोटीन को मॉडिफाई करने में या अच्छे से बिल्ड करने में सी की जरूरत है। वुंड हीलिंग यानी चोट लग जा काम करेगा, इम्यून फंक्शन में काम करेगा, एंड आयरन एक मिनरल है जिसकी जिक्र हम कल करेंगे, उसके ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें काम करेगा। आई अंडरस्टैंड आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, बट आई विल स्टॉप द सेशन थोड़े देर में, 10-15 मिनट की और है, मुश्किल से 10 मिनट, इसके बाद आप अपने सारे सवाल पूछ लेना, क्योंकि मैं अगर यहाँ स्टॉप करूंगी तो मैं सेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। डेफिशिएंसी, अगर हम विटामिन सी की सेवन नहीं करते हैं पूरी मात्रा में जितना हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट है, उससे क्या होगा, हीलिंग यानी कि जो वूंड होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा कमी की वजह से ये इंटरनल ब्लीडिंग इन द स्किन एंड जॉइंट्स होती है, एंड कुछ लोगों में तो गम्स में ब्लीडिंग होता है, ये आप लोग जानते हो, उसका कारण विटामिन सी है। तो ये बेसिकली इज रिलेटेड टू ब्लीडिंग यानी इम्यून सिस्टम एंड आयरन। तो क्या ये RDA होगा? RDA बहुत सिंपल है, अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग है, मेल के लिए 80, फीमेल के लिए 65, बट अगर आप एडोलेसेंट एज में देखते हो देन क्लोजर टू एडल्टहुड यानी लेट एडोलेसेंस में इनकी रिक्वायरमेंट एडल्ट से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे एडोलेसेंस बढ़ती जाती है इनका इम्यून सिस्टम जनरली कम होता है, इसीलिए इनका रिक्वायरमेंट हम ज्यादा बढ़ा के इनकी रिक्वायरमेंट को पूरे करते हैं, इसलिए रिकमेंडेशन RDA का ज्यादा है फॉर लेट एडोलेसेंस। तो सोर्सेस क्या हैं, ये तो आप जानते हो, जितनी भी कट्टे चीजें हैं वो सारे चीजें हमें विटामिन सी की सोर्सेस हैं। इसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स,
राइट। एंड आप देखें कैप्सिकम एक चीज है, हालांकि वो इतना ज्यादा खट्टा नहीं होता, फिर भी उसमें अच्छे से विटामिन सी होता है, बाकी तो आप लोग जानते हो। हम चलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की तरफ। फैट सॉल्युबल विटामिन में पहला आता है विटामिन ए। विटामिन ए का अलग नाम है, यानी साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। एक है विजन, बहुत सारे स्पोर्ट्स में विजन की जरूरत होती है। यस, विदाउट विजन क्या करते हैं, स्पेक्स लगा के भी खेलते हैं, बट जैसे स्पोर्ट्स आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, या टीम स्पोर्ट्स हैं, आपका पेरिफेरल विजन भी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज विद साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। एंड इसके साथ साथ आपका पावर जो है अच्छा होगा, देन यू विल हैव अ गुड क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो इसके लिए विटामिन ए चाहिए। हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए आपको चाहिए। मसल सोरेनेस तो जनरली होती है एक्सरसाइज के दौरान, उसको कम करने के लिए पोस्ट एक्सरसाइज सोरेनेस को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है विटामिन ए। एंड ऑफ कोर्स सेल ग्रोथ के लिए अच्छा है, इसीलिए अगर कोई भी एथलीट या कोई भी इंसान को अच्छे से आपका स्किन दिखता है, वही इतना काफी है ये बताने के लिए इनका विटामिन ई की कंसम्पशन जो है बहुत अच्छी है। अगर नहीं होता तो इनका स्किन में दिख जाता है कि रैशेस के साथ बहुत खराब ड्राई स्किन, ठीक है। एंड इसके साथ साथ विटामिन ए विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, वैसे ही विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंड ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी की वजह से स्किन रैश हो सकता है या ड्राई स्किन हो सकता है, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अगर स्पेशली एडोलेसेंट एज में ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो इनका ग्रोथ पूरी तरह नहीं होगा। एंड ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां पे इनकी ग्रोथ यानी हाइट की ज्यादा जरूरत होती है। तो ग्रोथ एक चीज है जो हम सोचते हैं खाली कैल्शियम एंड प्रोटीन, बट ये भी याद रखना पड़ेगा हम, राइट। एंड रिड्यूस्ड रिकवरी। आपके स्क्रीन पे दो पिक्चर्स हैं जहां पे कम दिखने यानी कम विजन के साथ साथ ऐसे हो जाते हैं कि किसी के आंख में ऐसे बाइट ऑफ स्पॉट्स होते हैं, यानी एक क्लाउडी पिक्चर ऑन द आई, राइट। ऐसे भी होता है या ऐसे होते हैं, दिस इज अ वेरी रेयर केस आजकल, बट हमें याद रखना है कि ये विटामिन डी की वजह से है। अगर हम विटामिन ए अगर पूरी तरह उनको मिल जाती है, अगर कम है देन इसको सप्लीमेंटेशन के दौरान या डाइट के दौरान उसको देना पड़ेगा। अगर हमने अच्छे से उनको रिप्लेस कर दिया देन ये चीजें मिल। एंड देखिए ये तो, बट आप ये नंबर पे मत जाना क्योंकि ये कितने में है, माइक्रोग्राम पे। विटामिन ए डी एंड ई जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो माइक्रोग्राम्स में गिना जाएगा, राइट। सो 1000 फॉर एडल्ट मेल, 844 फीमेल। सेम अप्लीकेबल है कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है तो उनके लिए अडल्ट से इक्वलेंट उनकी जरूरत होगी इफ दे आर क्लोजर टू दी अडल्ट लेट अडल्ट। तो सोर्सेस क्या है, अगर आपको बहुत जल्दी याद रखना है, मैं इसको आपको एक क्लू देती हूँ। जैसे ये आपके पास ऑरेंज कलर्स हैं, राइट, ऑरेंज ये 1, 2, 3, 4 हो गया लगभग, राइट, ये भी आप गिन सकते हो। एंड ग्रीन कलर में आपके पत्ते हैं, राइट, एंड सफेद में दूध, अंडे, ऑलमोस्ट मक्खन, घी, हालांकि वो बिल्कुल वाइट नहीं है बट थोड़ा बहुत क्लोजर टू दैट कलर है। अगर आप हमारी तिरंगा झंडा को याद कर सकते हैं तो इतना काफी है कि हमें बोलने के लिए कि आपका विटामिन ई की सोर्सेस क्या है। ऑरेंजेस, ऑरेंज कलर की जितनी भी स्किन की चीजें हैं, तिरंगा में पहला ऑरेंज आता है, देन व्हाइट आता है, देन ग्रीन आता है। सिमिलरली आपके ऑरेंज कलर की सब्जियां और फल, व्हाइट कलर की फूड सोर्सेस एंड ग्रीन कलर की फूड सोर्सेस। ऐसे ही आप एक क्लू है जो आप याद कर सकते हैं क्या विटामिन ए की सोर्सेस है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता है ये हमारा बोन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ याद रखना फॉर एथलीट्स जो इम्यून फंक्शन है वो इससे काफी मदद मिलती है। ये बहुत सारी स्टडीज करा हुआ है ऑन एथलीट्स से, एंड ये
रिसर्च बताती है कि इम्यून सिस्टम को अगर आपको बढ़ाना है तो आप बस इनको विटामिन डी को राइट वैल्यूज के रखना है। बाकी सब तो आपको पता है कि कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में काम करता है बोन। कैल्शियम अब्सॉर्प्शन मतलब बोन्स के रिलेटेड, बोन रिलेटेड मिनरलाइजेशन, ग्रोथ, रिमॉडलिंग, बोन मिनरल डेंसिटी, ये सारी चीजों में। इसके साथ साथ जब भी हम बोन की जिक्र होती है तो मसल कंट्रैक्शन, क्योंकि स्केलेटल मसल अटैच है, तो ये सारी चीजों में विटामिन डी की बहुत बढ़िया रोल है। अगर सही मात्रा में विटामिन डी शरीर में नहीं होता देन स्ट्रेस फैक्टर्स इंक्रीज की चांसेस बहुत ज्यादा है। मायल्जिया, इट इज अगेन अदर इंजरी, मसल स्ट्रेंथ गिर जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जुकाम, कोल्ड कॉफ, ये सारी चीजें जो होती है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, उसकी जल्दी बच्चे या एथलीट दे आर ससेप्टेबल यानी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, स्पेशली इन दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जल्दी तक जाते हैं, क्रैम्पिंग होती है, नफ़ुस जॉइंट पेन होती है, ये सारी चीजें हैं जो विटामिन डी की कमी से एथलीट में पाया जाएगा। आरडीएबी ध्यान रखिए ये माइक्रोग्राम्स में होगा, राइट। विटामिन डी कॉमनली कम से कम हर डाइट में 5 माइक्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम हो जाती है फॉर मेल, एडल्ट मेल एंड फीमेल एट 10 ग्राम्स, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि जनरली बोला जाता है कि एटलीस्ट हमें 5 माइक्रोग्राम ऑफ रिकमेंडेड डायट्री अलाउंसेस ऑफ आरडीए विटामिन डी हमें हर दिन लेनी चाहिए। तो सोर्सेस आपके सामने हैं। यस, आप ये कहेंगे कि मैम विटामिन डी डायट्री सोर्सेस है, बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा सिर्फ ये डायट्री सोर्सेस लेने से ज्यादा विटामिन डी नहीं बढ़ेगी, इसके साथ साथ क्योंकि इसका दूसरा नाम है सनलाइट विटामिन, जरूरी है कि एथलीट्स को सन की एक्सपोजर रहे। जब मैं सन की एक्सपोजर की बात कह रही हूँ कि आपको ये याद रखना पड़ेगा दैट एथलीट्स ट्रेन बिटवीन 11 o'clock to 2 o'clock, हालांकि ये मुश्किल है क्योंकि जनरली जो ट्रेनिंग होती है वो सुबह होती है मोस्टली धूप आने से पहले एंड शाम को होता है धूप जाने से पहले, इसीलिए एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस जितने मैंने एथलीट्स के साथ काम करा है, इनकी ब्लड टेस्टिंग करा है, ऑलमोस्ट हर बच्चे में एथलीट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के, फॉर सिंपल रीजन कि वो लोग उस 11 to 2 विंडो जहां पे मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन है उस टाइम पे ट्रेनिंग नहीं करते हैं, राइट। तो एक है कि उनको, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको उस टाइम पे ट्रेनिंग करें, बट ये बेटर होगा कि थोड़े बहुत टाइम पे उनको शायद 10-15 मिनट हर दिन वो इस टाइम में उनको धूप में खड़ा होने की आप बोले तो ये बेटर रहेगा। लास्ट एंड फाइनल आते हैं विटामिन ई के दौरान, ई के पास ये है इस साइंटिफिक नेम है, एंड ये क्या करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की रोल करता है। इसका मतलब जब भी ट्रेनिंग करते हैं वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो गंदा हाउ शुड आई से फ्री रेडिकल्स यानी कि ऑक्सीजन जो है वो फ्री रेडिकल मतलब O2 की जैसा नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव स्टेट पे रहेगा, यानी दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तब ऐसे ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल होगा देन वो शरीर को डैमेज करता है, राइट। इस डैमेज को भरपाई करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स लेनी चाहिए, उनमें से एक हो गया सी, इससे पहले हमने जिक्र कर लिया ए, अब तीसरी आती है विटामिन ई, राइट। जनरली कहा जाता है कि अल्फा टोकोफेरॉल की डेफिशिएंसी की वजह से जो मसल ब्रेकडाउन जो होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, यानी उसको जल्दी टूटता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स जल्दी टूट जाते हैं एंड इसको रीसिंथेसिस करने में वक्त लगेगा, इसको इसीलिए कहते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया, इसकी वजह से जो होता है उसको हिमोलाइटिक एनीमिया होता है, एंड स्केलेटल मायोपैथी यानी कि जो वेल बिल्ट मसल है ये
बिल्ट मसल है, तो इसकी डिफरेंस कैसे होती है। पेरिफेरल मायोपैथी ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको जो नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरह फंक्शन नहीं करता। सो ये सारी चीजें जो डेफिशिएंसी की वजह से हम देखते हैं, एंड ये अप्लीकेबल है फॉर स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमारे खाने में जितना हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसको मैच करें। लगभग सेम है फॉर ऑल द एज ग्रुप्स, राइट एट 15। तो सोर्सेस क्या है, सोर्सेस आपके सामने, राइट ये सारे आपके सोर्सेस हैं, जैसे पिस्ताशियो हो गया, कैश्यू हो गया, कोकोनट जो है वो ड्राई फ्रॉम पे, नट्स जो हैं आप देख रहे हैं, राइट दाल, एंड ऑफ कोर्स लीफी वेजिटेबल, एग, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, राइट ये आपके सोर्सेस रहे। हमने बताया था कि अभी तक हम जिक्र कर डेफिशिएंसी की, मैं रिपीट करना चाहती हूँ, विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए वो जो भी एक्सेस है वो हमारी शरीर से बाहर निकलती है, तो यूरिन, फीसेस एंड स्वेट। बट विटामिन ए, डी एंड के अगर हमने जरूरत से ज्यादा ले लिया देन टॉक्सिसिटी हो सकता है। विटामिन ए ज्यादा लेने से हेडेक होता है, स्किन रैशेस होते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि जो हमारा स्कल है ना, स्कल के अंदर ब्रेन है, इस ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाता है, इसकी वजह से आपको ऐसे चक्कर आना, सर दर्द होना, अजीब सा महसूस होना, ये सारी चीजें होती है। इसके साथ साथ आपको पेट में दर्द, उल्टी आना जैसा फीलिंग एंड उल्टी भी आना, ये सारी चीजें हैं जो विटामिन ए अधिक जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाने से होता है। मैं इसीलिए ये कह रही हूँ क्योंकि काफी सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो अपनी मन मर्जी सप्लीमेंटेशन लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं। विटामिन डी जरूरत से वैसे तो वो सोचते हैं कि बहुत इसे मुझे बहुत फायदा मिल जाता है, देन मैं बार बार जरूरत से ज्यादा अगर मैं रिकमेंडेड अलाउंस से ज्यादा कर लेती हूँ एंड मेरी सर्कुलेटिंग ब्लड में जरूरत से ज्यादा हो जाती है, देन हाइपर कैल्सिमिया यानी कि बहुत ज्यादा बोन ना डिपोजिट हो जाती है कैल्शियम, राइट तो आपका बोन जो है वो हाइपर कैल्सिमिक स्टेट में हो जाता है, इसके वजह से वो नौसिया यानी कि उल्टी जैसे आना, वॉमिटिंग, वीकनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड हाइपर कैल्सीमिया यानी ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से बोन पेन हो जाता है एंड किडनी में कैल्शियम स्टोन्स फॉर्म करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन ई की आ जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी जनरली नहीं होता, बट एथलीट्स अगर सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि विटामिन ए, डी एंड ई की वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहे हैं एंड वो टॉप अप करते हैं अपनी सप्लीमेंट्स को इन साथ डाइट के, देन वो बहुत दिक्कत कर सकते हैं। एंड विटामिन ई में क्या होगा, ब्लीडिंग की चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। कॉमन सिम्टम अगर आप टॉक्सिसिटी के देख रहे हैं तो वो है नौजिया एंड वॉमिटिंग। नौजिया मतलब उल्टी जैसे फीलिंग आना एंड उल्टियां आना, राइट एंड डायरिया भी। तो याद रखना पड़ेगा कि हमें टॉक्सिसिटी से बच के चलना चाहिए। तो डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी की स्टेजेस क्या होते हैं, वो जाते हैं प्राइमरी से। जनरली जो डेफिशिएंसी वो प्राइमरी पे जो हमें दिखता नहीं है वो प्राइमरी स्टेज है, वो इनिशियल स्टेज पे रहेगा। सेकेंड हमें दिखेगा जब ये हम ब्लड टेस्ट करते हैं तब दिख जाती है कि विटामिन की डेफिशिएंसी हुई है। तीसरी हमें मिल जाती है जब फिजियोलॉजिकली हमें दिखना शुरू होता है कि वीकनेस हो गया या कोई भी फटीग हो गया, जितनी भी विटामिन्स की डेफिशिएंसीज है वो सारे हमें दिखने लगेंगी, तब हम बहुत दूर पहुंच चुके होंगे। एंड क्लिनिकली, क्लिनिकली जब ये होता है मतलब ये हद से बाहर है और हमें इस डेफिशिएंसी को हर हाल में इसको भरपाई करना ही करना है। ये हमें मिलने से क्लिनिकल ये
होता है जैसे हमारी साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर B6 या B12 की डेफिशिएंसी और एनीमिया हो चुका हो तो हमें क्या कहा कि पैलर यानी स्किन लाइट हो जाता है, तो आंख के नीचे लाइट होना, हमारी स्किन बिल्कुल फेयर होना, क्या बोलते हैं इसको, नेल्स में बहुत व्हाइटिश लगना एक एग्जाम्पल है कि ऐसे दिखने लगते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें अपने डाइट को बिल्कुल अच्छे से रखें ताकि हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ तक जब हम पहुंच जाते हैं इसका मतलब है हमने बहुत देर कर दिया एंड इसको हमें बहुत अच्छे से एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या क्लिनिशियन के पास जाना पड़ेगा और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो कौन से ग्रुप है जो ज्यादा रिस्क में रहते हैं डेफिशियंसी के? मेल से ज्यादा फीमेल एथलीट्स ज्यादा रिस्क में रहते हैं, क्योंकि वैसे भी इन लोगों को डाइट लेने में थोड़ी सी कमी रहती है। जो जो एथलीट्स जो वेट लॉस अटेम्प्ट करते हैं, क्या होगा इनकी टोटल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो टोटल डाइटरी इंटेक वो गिराते हैं। जब भी टोटल डाइटरी इंटेक गिराते हैं इसका मतलब है वो अपने खाने में बहुत सारे चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं, तब क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो डाइट को इंक्लूड करना है वो मिस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो एथलीट्स स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड एंड्योरेंस स्पोर्ट्स, जब ये लोग वेट लॉस की अटेम्प्ट करते हैं, याद रखना पड़ेगा कि आपके डाइट में बी विटामिन, सी विटामिन एंड सारे फैट सॉल्युबल विटामिन रहे। रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को ये सोच के कि नहीं मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मुझे ये खाना पसंद नहीं है वो खाना पसंद नहीं है, या आपको कोई भी रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो सारे इंडिविजुअल्स भी या एथलीट्स भी एटरिस्क में आ जाते हैं। एस्थेटिक स्पोर्ट्स जैसे जिम्नास्टिक हो गया एंड वेट क्लास स्पोर्ट्स है, ये सारे भी वाइटामिन जितने भी हैं उसकी कमी की शिकार होते हैं। तो ये सारे एथलीट्स में हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि इन लोगों में ये ना हो। इसके साथ साथ मैं आपका सेशन को खत्म करती हूँ। हाँ, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं तो मैं आंसर करती हूँ। यस, मैं रेडी हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं आज आंसर नहीं कर पाया और टाइम कंस्ट्रेंट, यू कैन पिंग मी ऑन माय इंस्टा।